पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज खगड़िया पहुंचे, जहां वह बाढ़ प्रभावित प्रखंड बिलदौर और गोगरी प्रखंड का दौरा किए। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बात करके उनके हाल चाल को जाना, जिसके बाद वह बाढ़ पीड़ित महिलाओं के बीच 500 का नोट बांटे। इस मौके पर पप्पू यादव मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि जब बिहार की जनता बाढ़ की पीड़ा से करा रही थी, तो बिहार के कोई नेता दुबई में शराब का लुत्फ उठा रहे थे, तो कोई गांधी जयंती के दिन शराबबंदी हटाने की बात कर रहे थे, जबकि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार दरभंगा के सूखे जगह पर जाकर बाढ़ पीड़ितों के हाल को जानने की औपचारिकता कर रहे थे। पप्पू ने कहा कि नेता आपदा में भी अपनी राजनीतिक लाभ के लिए अवसर तलाशते हैं। सांसद पप्पू ने कहा कि 32 लाख पीड़ित लोगों को सरकार 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दे। जिस अधिकारी की लापरवाही की वजह से बांध टूटा है, उसे सरकार सस्पेंड करे और ऐसे अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कराए। हम देश के प्रधानमंत्री और नीतीश जी दोनों से कहना चाहेंगे, और विपक्ष से, कोई दुबई में है, कोई दुबई में शराब पी रहे हैं, कोई दिल्ली में थे, कोई सदस्यता अभियान चला रहे थे, कोई मंत्री जी सदस्यता अभियान चला रहे थे, कोई गांधी के दिन दारू खोल रहा था। भैया 17 लाख से 32 लाख लोग फंसे, 7 बांधें टूटी, 7 लगभग मट्टी और खपड़ा 3 का घर खत्म हो गया, किसी की फसल नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा मिडिल क्लास और गरीब के घर में, और हमारी सरकार और हमारा विपक्ष गायब। हम हमेशा नेता बाढ़ या सुखाड़ या कोई भी ऐसे विपदा को अवसर में लेता है, वो उसके लिए अवसर बन जाता है नेताओं के लिए, वह फोटो सेशन करने लगते हैं कुछ दिनों के बाद। इसीलिए नीतीश जी, कोई 2 क्विंटल चावल मत दीजिए, आपके खजाने पर राइट है बिहार की जनता का, आप 2-2 लाख रुपया 32 लाख परिवार को आप डालिए उसके अकाउंट में। ये 20-25 हज़ार रुपया नीतीश जी, ये भरम छोड़ दीजिए, ये चुनाव के चलते आप 20-25 हज़ार की जो बात ला रहे हैं, या आप दिल्ली से आने के बाद हवाई सर्वे कर रहे हैं और दरभंगा के सूखे में उतर करके आप बाढ़ से क्या देखना, बाढ़। और जो जो लोग बांध टूटने में पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, उसको सस्पेंड करके डिस्चार्ज किया जाए और उस पर FIR लॉन्च किया जाए।